तो आज मैं फिर से करने वाला हूँ एक और फील्ड बैटल अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं यहाँ पे चीटिंग करने वाला हूँ / स्केयर के साथ, जिसकी मदद से मैं अगर कुछ भी बिल्ड करता हूँ तो वो यहाँ पे बन जाएगा स्केरी और मैं इससे अपने दोस्तों को डराने वाला हूँ। अरे भाई ये क्या है, अरे भाई ये क्या है, एक मिनट। तो इस फील्ड बैटल में कौन जीतता है जानने के लिए वीडियो को एंड तक के देखते हैं ना, और इस वीडियो को लाइक हम लोग रखते हैं 10,000। तो आज हम फिर से करने वाले एक फील्ड बैटल, लेकिन ये कोई नॉर्मल वाला फील्ड बैटल नहीं होने वाला है, इसमें हमको कुछ स्केरी और हॉरर चीजें बनानी पड़ेगी। और लास्ट टाइम की तरह इस बार भी जो भी जीतेगा उसको मिलेगा 10,000 रुपीज। भाई 10,000 रुपए तू मेरे से रख ले यार। यार पिछले बार ड्रॉ हो गया था यार, हमारे बीच में 3,000 रुपए बढ़ गए थे, इस बार तो अकेले जीतूंगा भाई। 1,000 रुपए 3,000 बढ़े थे और 1,000 का तंबाकू खा गया मैं यार। लेकिन इस बार ना एक छोटा सा ट्विस्ट है कि यार इस बार हमको कुछ ना कुछ ऐसा स्केरी बिल्ड करना है। या तो हमको जो पहला बिल्ड करना है ना वो है भाई कैटनैप। यार एक काम करो, तुम लोग भी देख लो, और हमको फर्स्ट बिल्ड के लिए यहाँ पे मिला 5 मिनट का टाइम। यार तो भाई यहाँ पे टाइम पास मत करो अभी। बाप रे इतना सारा टाइम मिल गया, रुक जा अभी बिल्ड करता हूं। और देखो इस बार हमको बनाना स्केरी और हॉरर बिल्ड, क्योंकि यार इस बार का थीम ही वही है। और हमको जो फर्स्ट बिल्ड मिला है वो है कैटनैप। या देखो कैटनैप तो मैं आराम से बना दूंगा। और देखो इस बार मैंने चीटिंग करने के लिए लेके आया / केयर, तो काम करता हूँ उसको लिखता हूँ मैं जल्दी से, और मुझे इससे मिलने वाले कुछ तो से स्केरी आइटम, इसको एंटर करता हूँ मैं। तो यार पिछले बार तो ट्राई हो गया था इन बच्चों से, तो जीतने वाला हूँ मैं इस बार। तो यार पहले तो मैं बिल्ड बना लेता हूँ, और इस बार ऐसा स्केरी मॉड लेके आया ना मैं। ये देखो लास्ट देखो इसकी, यार डर के भागने वाले लोग, चलो कोई देखना ले वैसे तो। तो ये तो इसका पैर बन रहा है यार, जल्दी बना दो पैर में। यार तो अभी जल्दी से मैं अपना बिल्ड करना यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यार सब लोग पिंक कलर की बनाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा भाई अपने कलर की इस बार, वो भी ब्लैक और व्हाइट कलर की यार। और एक मिनट भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा भाई देखो इस बार ये और कोई अलग टाइप का बॉक्स आया है। यार एक काम करते इसको खोलते। यार भाई तो शल्कर बॉक्स है, और देखो इसके अंदर मुझे कुछ अजीब से साइन मिले। यहाँ पे कॉफिन है और यहाँ पे लिखा स्पॉन आइज। काम करते हो पहले ना इस चीज को एक बार ट्राई करके देखते हैं। भाई इसमें खून से लिखा हुआ है गेट आउट, यार ये तो कुछ ज्यादा स्केरी है। और देखो इस वाले में लिखा हुआ है लीव, और मुझे यहाँ मिल चुका है कॉफिन। ओ भाई खुद खुद बंद भी हुआ ये। और लास्ट चीज यहाँ पे भाई स्पॉन आइस। एक मिनट भाई मैंने यहाँ पे स्पॉन तो कर दिया, लेकिन कुछ देख नहीं रहा, और शायद इसके लिए मुझे रात करना पड़ेगा। और बस इस चीज को एक बार बंद करता हूँ। देखो भाई यहाँ पे अभी अंधेरा हो चुका है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे आता हूँ भाई सर्वाइवल में, और इनको एक बार स्पॉन करके देखते हैं। और भाई एक मिनट, अरे नहीं नहीं भाई, जैसे मैंने इनकी आंखों में देखा ये क्या क्या हो गया। नहीं 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 अरे यार, ओ भाई देखो यहाँ पे एक आंख हो चुकी गायब, और जैसे मैं पीछे मुड़ूंगा शायद एकदम से कुछ होगा। नहीं भाई फिर से हो गया। ओ भाई यार क्या स्केरी आइटम है, ये तो कुछ ज्यादा ही बेकार था। तो एक काम करता हूँ एक बार पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डैश ऑफ लिक बना क्या रहा है। और देखो शायद ना अभी इसने इसके पैर बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो भाई कुछ तो बिल्ड कर रहा है, और देखता हूँ अभी यहाँ पे फ्लिक ने क्या बिल्ड किया हुआ है। और यार यहाँ पे इसने ब्लैक एंड व्हाइट पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है। एक काम करता हूँ इसको बंद करता हूँ, और बस अभी मुझे यहाँ पे करना है पेस्ट। और एक मिनट यार ये कितना सही दिख रहा है कैटनैप, और इतना ज्यादा बड़ा, लेकिन ये क्या बना दिया यार मैंने। इसका मुंह देखो कितना स्केरी है, और देखो कितने अलग अलग ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। तो अभी इस वाले बिल्ड के लिए मेरा सिंपल सा प्लान है कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा 2 रूम, और उसके बाद पहले वाले रूम में यहाँ पे रहेगा कॉफिन और बाकी जितने भी हॉरर वाले आइटम थे, और उसके नीचे वाले लेवल में रहेगा एक असली वाला कैटनैप। और देखो मेरे पास उसका एक स्पॉन एग भी है, तो उसके लिए तुमको वीडियो को एंड तक के देखना पड़ेगा। तो काम करता हूँ मैं इसको पहले खोदना स्टार्ट करता हूँ। और देखो आखिरकार मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा रूम बना दिया है, और ठीक इसके सामने मैं रखूंगा यहाँ पे लीव वाला बोर्ड। और अब देखो मैंने अभी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। और देखो अभी यहाँ पे मैंने दोनों साइड की वॉल तो बना दिया है, तो एक काम करता हूँ पहले इस साइड वाले रूम में आता हूँ। तो एक काम करता हूँ पहले मैं यहाँ पे जल्दी से लगाता हूँ इस कॉफिन को, और इसके बाजू में एक और कॉफिन, और देखो इसके ऊपर मैं नाम भी लिखने वाला हूँ। तो पहले वाले पे मैं लिखूंगा डैश, और इस वाले पे मैं लिखूंगा फ्लिक। और भाई देखो ये लोग इसके पास आएंगे, इसको खोलने का ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनको अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद जब ये लोग बाहर आएंगे तो फिर ये लोग जाएंगे इस वाले रूम में, और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे यहाँ पे स्पॉन करना है आइस को, और भाई बाकी तो लोग अपना काम खुद ही कर लेंगे। और बस अभी हमको चलना है यहाँ से और नीचे। तो एक काम करता हूँ मैं अभी यहाँ से खोदता हूँ, और चलते इसके नीचे वाले फ्लोर में। और देखो आखिरकार यहाँ पे बन चुका है हम लोग का दूसरा वाला रूम भी। और देखो अभी लोग जैसे नीचे आएंगे तो इनको तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इनको लगेगा कि यहाँ पे इनका कट चुका है। लेकिन तभी मैं यहाँ पे स्पॉन कर दूंगा इस कैटनैप को, और यार ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक दिख रही है। और भाई एक मिनट यार ये अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रही, भाई इसकी आंखें देखो क्या ग्लो कर रहा है। और देखो यहाँ पे भाई इसका साइन भी है सी नाम का। और बस अभी यहाँ पे हम लोग का बिल्ड भी खत्म हो चुका है, और अभी बस यहाँ पे आखिरी के 1 मिनट बाकी है। तो काम करता हूँ इस वाले रूम पे मैं लिखता हूँ नंबर 1, और इस वाले रूम को लिखता हूँ नंबर 2। और देखो अभी यहाँ पे तो मेरा पूरा बिल्ड बन चुका है, टाइम भी खत्म हो चुका है। और भाई डैश ऑफ लिख एक काम करो, यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। और भाई एक काम करो जल्दी से आ जाओ बीच वाले प्लेटफॉर्म में। और यार अपना यहाँ पे हम लोग के 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। या तो भाई अपना पहला बिल्ड कौन दिखाने वाला है, सबसे ज्यादा एंटी के मैं आ जाओ दिखाता हूँ तुमको। ये देखो ब्लैक कलर का कैटनैप। भाई एक मिनट हमको कैटनैप बिल्ड करना था, ये क्या है भाई, ब्लैक कलर की कैटनैप मेरे कलर की है भाई, देखना यार कैटनैप तो कर रही है। चुप हो जा साथवी, भाई ये पागल हो चुका है इसको। अरे भाई इसका मतलब वो नहीं होता यार, कैट के अंदर जाना, ऊपर आ जाओ भाई, सबसे पहले तो सर्वाइवल में आ जाओ, उसके बाद अंदर घुसना। अरे ठीक है भाई, तुम आ जाओ मेरे पीछे आओ। या तो चलते भाई देखते हैं फ्लिक ने क्या बिल्ड किया। ओ भाई डर लग रहा है, भागो फ्लिक पुसी। यार ये तो बहुत डरावनी कैट है यार, ये क्या है यार फ्लिक, कोई डरावनी चीजें बनानी थी, ये क्या बना के रखा तूने बिल्ली। यार भाई इतनी बिल्ली को कौन स्पॉन करता है यार, बिल्ली के अंदर इतनी सारी पुसी है, इसको देख के डर नहीं रहेगा भाई, पुसी देख के बहुत डर लगता है। रुक जाओ ये देखो यार, और ज्यादा खतरनाक स्पॉन करता हूँ ये देखो। अरे बाप रे, अरे बाप, अरे भाई
अरे भाई एक मिनट यार, कौन सा फालतू सा बिल्ड है ये यार? वो फालतू की बात है, तुम लोग छोड़ो भाई, नंबर कितना दोगे ये बताओ भाई। इसको मैं दूंगा भाई 3। यार लेकिन यहाँ से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे ये तो बता पहले। नहीं यहाँ से निकलोगे, आ जाओ भाई इधर है यार, इसमें भाई जल्दी पॉइंट दूंगा तुझे। अरे ये कहाँ से निकले? छी भाई, भाई ये तो हम लोग इसके पीछे वाले रास्ते से निकले। यार तुम लोग कमेंट बताओ कि कौन सा रास्ता है। तो अब नेक्स्ट किसके बिल्ड में चलना है? मेरे बिल्ड में आ जाओ, वही तो होना है, डैश के बिल्ड में जाएंगे। अरे भाई एक मिनट, कौन सा बिल्ड है भाई इतना गंदा सा? इसका मुंह क्या हो गया यार भाई? तो लाल लाल की क्या टाइप का भाई? ये पिंक है भाई, ये तुमको पता नहीं है यार? बाहर से इतना डरावना है ना, वो अंदर आके देखो कितना डरावना होगा। जल्दी आओ भाई, देखते यार इसने क्या ही बिल्ड किया। यार इधर आओ, इधर नकली पेंट मार दिया भाई लाल कलर का, और हमको डराएगा भाई ये देखो। भाई पेंट नहीं, ये क्या भाई? स्केलेटन का हेड है बस, और कुछ भी नहीं है भाई। यार डैश तूने इसको पिन क्यों कर दिया भाई? कमेंट है तेरा भाई? कमेंट है नहीं यार, मैं तो कुछ और ही सोच के पिन किया था, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। और क्या फालतू बिल्ड किया भाई अभी तक के तुम लोग ने? और बस अभी भाई यहाँ पे आखिरी बिल्ड बाकी है यार। तो काम करो, देखो भाई क्या सही बिल्ड किया मैंने। ये सबसे गंदा बिल्ड है भाई, टट्टी है ये यार। 5 मिनट में कैसे बनाया तूने सब? यार ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल यार। लेकिन तुम लोग को बताया कि भाई मैं कितना खतरनाक वाला बिल्डर हूँ यार, तो मैं कुछ भी बिल्ड कर सकता हूँ 5 मिनट में। चलो मैं भी नीचे आ चुका हूँ, और एक सेकंड, कौन सा बिल्ड है ये भाई? देखो मेरा स्केरी वाला बिल्ड। अरे जाने बोल रहा है, चलो चले यार, चलते हैं वापस से ऊपर। चलो चलते हैं भाई। भाई कॉफी लगा अच्छी यार, इससे अच्छा ग्रीन खून था। ये हमारा कॉफी नहीं बोल रहा है भाई, ये क्या है? हम लोग जिंदा है लेकिन यार इससे क्या डरे भाई? यहाँ पे तो हर जगह लाइट वाइट है, अंधेरा भी नहीं है यार। ये तो कुछ भी नहीं था यार, इधर आ जाए यार, फालतू चीज है। चल 2 में चलते हैं भाई, ये तो सच में 2 में क्या होगा, बन के रह गया ये। चल यार 2 नंबर ऊपर चलते हैं भाई, क्या फालतू में पता नहीं यार। अरे सच में खाली है, और मुझे आंखें दिख रही है शायद। अरे भाई ये क्या है? अरे भाई ये क्या है? एक मिनट भाई, कुछ आया भाई, कुछ तो बहुत डेंजर आया था अभी यार, पता नहीं क्या आया आंखों के सामने यार। थोड़ा खतरनाक तो था लेकिन मैं बच्चा डरेगा इससे। और मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे रूम नंबर 2, जो कि है यहाँ से नीचे। यार मैं तो नीचे आ रहा हूँ, और एक मिनट, ये क्या कैटनैप कहाँ से आ गई भाई? ये है ना भाई रियल वाली कैटनैप भाई, मुझे देख के डर गई है शायद। देखो पीछे ही नहीं दिख रही भाई ये तो। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार, रुक जा फ्लिक, बचा मुझे यार। भाई ये पीछे से क्यों मार रही है, क्या हो गया इसको? अरे भाई मरने वाला हूँ मैं, बचा मुझे यार। मुझे ही मारना चालू कर दी यार, मैं अकेले कैसे बचूंगा? कुछ देना तो था यार तुझे मुझे। यार थोड़ा सा डर तो लगा लेकिन ये बोल सकते हैं, लेकिन यार उतना भी नहीं डरा सकता यार तू मुझे। यार चलो यार जल्दी से ऊपर चलते हैं। और यार अभी तुम लोग भाई इस बेस को कितना नंबर दोगे? इसको भाई मैं दूंगा चल कम से कम 6 दे देता हूँ मैं, कम से कम 5-6 तो दूंगा यार, 5 मेरे तरफ से। और अब देखो आखिरकार यहाँ पे हम लोग का राउंड 1 खत्म हो चुका है, और भाई इसका विनर हूँ मैं। और अभी हम लोग के यहाँ पे राउंड 2 की बारी है, और हगी वगी बनाना है हमें। ये देखो यार तुम बच्चे लोग भी पढ़ लो यार, यार इस वाले बिल्ड के लिए भी हमको 5 मिनट का टाइम है यार। तो भाई चलते भाई अपने बिल्ड में। चलो चलो यार जल्दी निकलो, भागो। और भाई क्या डर गए थे यार ये लोग वाले राउंड में, लेकिन अब बारी यहाँ पे राउंड 2 की। तो उसके लिए मैं इस बार यूज करने वाला हूँ /केयर। और देखो भाई ये रहा हम लोग का क्रेट, तो एक बार इसको खोलता हूँ। और यार इसके अंदर क्या है भाई? इसका नाम है स्पॉन वीपिंग एंजल। और उसके बाद यहाँ पे एक स्टैचू, एक विच हैट, और ये है मेन चीज ना यार, हगी बगी का स्पॉन एग। और एक काम करता हूँ, एक बार मैं इसको स्पॉन करता हूँ। इसकी हाइट देखो, और भाई एक बार इसके टांग देखो कितना लंबा है ये यार। एक काम करता हूँ उससे पहले कि यहाँ पे डैश ऑफ लिख देख ले यार, इसको मारता हूँ पहले। यार पता नहीं क्यों पिछला वाला राउंड तो राहुल जीत गया, लेकिन ये वाला राउंड वो जीतेगा नहीं यार। इतना एक्सपर्ट होकर भी मुझे तो लगता है उसने चीटिंग किया है, मेरे सामने कैसे जीत गया यार वो। तो एक काम करता हूँ, इस बार बहुत खतरनाक चीज लेकर आया हूँ। ये देखो यार ब्लड भाई, देख के उल्टी करने वाले ये लोग, इतना खतरनाक खून यार। इस बार हमें हगी वगी को बिल्ड करना है, लेकिन यार स्टैचू कौन बनाएगा यार? फालतू में इतनी मेहनत नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ यार, इस बार सीधा मैं पिक्सल वाला बनाता हूँ इसको। यार मेरा तो बहुत सारा बिल्ड हो चुका है, और मैं देखता हूँ यार राहुल इधर में खड़ा है, रुक जाओ तोड़ के देखता हूँ भाई क्या है। और एक मिनट, ये कैसा हेट पहना है इसने, और ये बात किससे कर रहा है? पता नहीं ये क्या कर रहा है यार, जाने दो यार, मैं अपना काम करना ही चालू कर देता हूँ इससे अच्छा तो। और लग रहा हूँ ना मैं भी एकदम हैरी पॉटर का भतीजा। और अभी यार एक मिनट, इस चीज से क्या होता है भाई? ये तो यार एक नॉर्मल सा स्टैचू है, और भाई देखो यार इसका मुंह है, और साथ में इसके पंख है। अच्छा भाई इसलिए तो इसका नाम यहाँ पे एंजल है। और भाई एक मिनट, अरे ओ भाई नहीं 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 भाई, इसने मुझे कहीं पे टीपी कर दिया। अच्छा देखो, और मैं तुमको एक बारी और इसको स्पॉन करके दिखाता हूँ। तो अब देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सर्वाइवल वाले मोड में। यार देखो अभी तो मैं इसको फिलहाल देख रहा हूँ, तो इसलिए भाई मुझे कुछ नहीं करिए, लेकिन अगर मैं इसे मुड़ू, और यार अभी तुम लोग देख सकते हो कि भाई ये खुद ब खुद मूव कर रहा है। और देखो भाई अब मैंने इसको यहाँ पे तोड़ दिया है। तो एक काम करता हूँ, एक बार मैं देख के आता हूँ कि भाई लोग बिल्ड कर क्या रहे हैं। और उसके लिए यार तुमको तो पता है कि मैं यहाँ पे जादूगर बन चुका हूँ, और जस्ट अभी अभी मैंने अपनी ताकत से यहाँ पे लेके आ चुका हूँ वाला पोशन, जो कि है भाई इनविजिबिलिटी वाला। और अब चलता हूँ भाई जल्दी से मैं यहाँ पे पहले डैश के बेस में। और भाई एक मिनट, देखो यार इसने क्या बिल्ड किया है। और ये देखो अब मुझे दिख रहा है कि भाई अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। और अब जल्दी से मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई इसके लिए मेयर का साइन, और चलते भाई यहाँ से यार। और अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मैं जल्दी से पेस्ट कर दूँ यहाँ पे हगी बगी का स्ट्रक्चर। और भाई देखो आखिरकार यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, और कितना ज्यादा बड़ा है ये। और अरे काम करो, अभी तुम लोग कमेंट में जाओ और मुझे बताओ कि भाई तुमको यार बिल्ड कैसा लगा है, और तुम इसको रेट करो out of 10। और मैं इस वाले बिल्ड के भी टॉप में आ चुका हूँ, और यार इसमें बिल्कुल सेम करने वाला हूँ मैं, कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा 2 फ्लोर। उसमें से पहले वाले फ्लोर में रहेगा हम लोग का ये वीपिंग एंजल, और दूसरे वाले फ्लोर में हम लोग स्पॉन करने वाले हगी बगी को। तो एक काम करता हूँ, उसके लिए पहले मैं यहाँ पे खोदना स्टार्ट करता हूँ। और भाई देखो यहाँ पे आ चुका हम लोग का रूम, और बस देखो पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल वाले स्टैचू को स्पॉन कर दूंगा। और देखो बस मैं यहाँ पे 2-4 और स्टैचू कर देता हूँ, और
उनको लगेगा कि भाई ये क्या फालतू सी जगह है, लेकिन उसी टाइम पे मैं स्पॉन कर दूंगा इसको, क्योंकि हम करते हो अभी इसके नेक्स्ट वाले फ्लोर में भी जल्दी से काम करता हूँ और यहाँ से मैं बनाऊंगा इसका दूसरा वाला फ्लोर। और देखो अभी मैंने आखिरकार यहाँ पे खोद दिया भाई पूरा रूम, या देखो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन इतने में तो मैं आराम से शायद इसको स्पॉन कर दूंगा, लेकिन बस अभी यहाँ पे आखिरी का एक मिनट बाकी है। और अभी काम करता हूँ इस वाले रूम को मैं दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे रहता हगी बगी। और देखो मैं यहाँ पे लेके आ चुका उसके कलर का बेड, और बस देखो अभी यहाँ पे हम लोग का टाइम खत्म हो चुका है तो मैं चलता हूँ जल्दी से यहाँ से बाहर। यार जल्दी जल्दी आओ यार, टाइम अप हो चुका है यार। तो भाई अपना बिल्ड कौन दिखाएगा अभी पहले? भाई ये क्या है ये? और शायद ना अंदर से इस बार कुछ ना कुछ तो चेंज किया होगा, लेकिन भाई एक मिनट, हरे कलर का खून और कुछ भी नहीं है, ये क्या है? ये क्या है भाई? मोटा सा सुअर भाई, जिंदा होगा तो खा जाएगा तुम लोगों को। और भाई देखो यहाँ पे तो एक डॉक्टर भी है। डॉक्टर वही है यार, मेयर का भतीजा यार। लेकिन भाई ये तो यार अभी तूने कुछ भी चेंज नहीं किया भाई, कैटनैप में भी पूरा सेम था यार, कलर बदल के वापस से डाल दिया यार इसने। इस बार तो मैं इसको एक मार्क दूंगा सिर्फ। भाई यार इसके लिए तो भाई मैं 2 मार्क दूंगा बस, उससे ज्यादा तो शायद मैं दे भी नहीं पाऊंगा यार। और अभी नेक्स्ट बिल्ड यहाँ पे किसका देखना यार? आ जाओ भाई, मैं दिखाता हूँ तुमको एकदम खतरनाक वाला। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे तो हमको बिल्ड करना था भाई, ये क्या है? बिल्डिंग तो किया है भाई, क्या है? अरे भाई इसको तो पिक्सल आर्ट बोलते हैं। ये क्या मजाक है भाई, इसको तो मैं 900 दूंगा भाई। ये तो भूतिया नहीं भाई, कुछ और रो रहे भाई। ये तो भाई इसका पेट देखो यार, डोरेमोन जैसा दिख रहा है, डर नहीं लग रहा तुमको? स्केरी टाइप का डोरेमोन है। तो एक काम करो अभी तुम लोग कमेंट में जाओ और भाई इसको कुछ ना कुछ यादिया बको यार फ्लिक को। यार हमें तो यार स्टैचूस बनाने थे, बिल्ड बनाना था, ये तो पिक्सल आर्ट है और वो भी इतना गंदा बेवड़ा डोरेमोन वाला। छी भाई इसको कट करो भाई, इसको डिस्क्वालीफाई करो यार। लेकिन कमेंट में कोई गाली नहीं लिखना भाई मुझे। अरे फ्लिक अभी याले राउंड के लिए बाहर हो चुका है यार, तो हम ना अभी इसको कुछ भी यहाँ पे नंबर नहीं देंगे। और अभी लास्ट वाला बिल्ड है भाई मेरा वाला, देखो एक बारी यार। ये भी तो वही है भाई, ये क्या है भाई? ये तो मेरे जैसे ही दिख रहा है। ये देखो पिंक तो यहाँ पर अभी भी है भाई, ये तो धोखा हुआ है। और यार इस बार वाला बिल्ड ना भाई लास्ट टाइम से भी और भी स्केरी है। यहाँ तो काम करो भाई, आओ तुम लोग अंदर। अरे भाई यार ये लोग क्यों? अरे भाई स्पॉन, अरे इसको फेंक फेंक। अरे भाई देखो एक मिनट यार, यहाँ पे तो अभी क्रीपर पूरा हट गया, दिमाग खराब कर। तो यहाँ पे मैं दो दो स्टैचू को और कर देता स्पॉन। यार ये पहला चीज, इतना फालतू कैसे हो सकता है यार? कोई इतना गंदा कैसे बना सकता है? स्टैचू डराएंगे क्या यार मुझे? एक मिनट यार मैं चलता हूँ यहाँ से। और एक मिनट, ये क्या हुआ? एक सेकंड यार, ये लोग हिले क्या भाई? पता नहीं। अरे भाई कुछ तो नहीं हुआ भाई, क्या फालतू बात कर रहे हो यार? और अभी ये पास में भाई मिल रहे हैं वो शायद। अरे कुछ नहीं हो रहा भाई। अरे यार ये फ्लिक यार भाई आज भी आया है शायद पीके। भाई ये क्या हो गया? इधर रुक जाओ, एक बार मैं वापस पीछे देखता हूँ। अबे पास में आ रहे भाई, भाग यहाँ से, भागो। क्या भागो, पागल है क्या फ्लिक? मुझे पहले डरा दिया तूने, ये यहीं पर तो थे। अरे इधर नहीं थे भाई, पीछे थे। वो क्या फालतू की बातें कर रहा है डैश? क्या हेलो बोल क्या उनको? लगता है पीकर आया फ्लिक, पता नहीं जाने दो। इधर देख फ्लिक, अबे ये कहाँ गया मैं यार? सच में यार फ्लिक गायब हुआ, लगता है प्रैंक कर रहे हैं लोग मेरे साथ। अरे भाई ये लोग सामने आ गए मेरे। अरे भाई ये क्या? अरे भाई तुमको ये वाला ट्रैप अच्छा तो लगा ना? बहुत एकदम स्कैरी भाई, खतरनाक ट्रैप था यार, सच में कुछ अलग था ये तो। और अब चलते भाई हम लोग रूम नंबर 2 पे। तो एक काम करो यहाँ पे आ जाओ। अरे यार नीचे मैं तो आ चुका हूँ भाई। ये कौन है भाई? भागो तो मौत दिया इसने, रुक जाओ मैं मारता हूँ भाई इसको, तो आज मारूंगा। अरे मार दिया यार मुझे। यार देखो आखिरकार भाई तुम लोग की यहाँ पे मौत हो चुकी है। और यार अभी तुम लोग मेरे बिल्ड को यहाँ पे कितना रेट करना चाहोगे? यार इस बार मैं तुझे 8 की रेटिंग दूंगा यार, इस बार अच्छा था तेरा थोड़ा। मैं दूंगा 7.5। अरे तो भाई यार इसका मतलब तो ये वाला राउंड भी जीत चुका हूँ मैं। और बस अभी यहाँ पे एक आखिरी वाला राउंड बाकी है, और देखते हैं कि अब हमको आखिरी वाले राउंड के लिए क्या बिल्ड करना है। और अभी देखो ऑलरेडी मैं यहाँ पे 2 राउंड तो जीत चुका हूँ यार, तो भाई आखिरी वाले राउंड खेलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन खेल लेते चलो। अरे भाई दोनों बातें कर रहे हैं, पागल हो चुका है। एक काम करता हूँ मैं, देखता हूँ यार इस बार। रुक जाओ यार, पेपर उठाता हूँ मैं। यार ये क्या लिखा है इस पे? कस्टम बिल्ड, सबसे ज्यादा डर लगने वाला एंटिटी। यार ये क्या है, हीरो ब्रांड बना रहा हूँ मैं तो जाके फिर। यार लेकिन इस बिल्ड के लिए हमको कितना टाइम मिला है यार? इधर लिखा है सिर्फ 2 मिनट। अरे भाई 2 मिनट क्या बिल्ड होगा लेकिन? अरे भाई यार कुछ ना कुछ तो बिल्ड मैं कर दूंगा भाई। अरे भाई 2 मिनट जा रहा हूँ बनाने के लिए भाई। और इस बार हमको कुछ ऐसी चीज बनाना है यार जिससे हम लोग कुछ ज्यादा ही डरते हैं, लेकिन ऐसी तो कोई चीज ही नहीं यार जिससे मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ। और देखो इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए मुझे यहाँ पे आखिरी बार यूज करना पड़ेगा /केयर, और उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम मिलने वाले जो की बताएंगे की मेरा डर है क्या चीज। यार लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है की इस वाले बिल्ड के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिला है यार, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इस बार तो मैं कुछ स्केरी आइटम भी नहीं बिल्ड कर सकता उसके अंदर। तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी से लिखता हूँ यहाँ पे स्केयर और एंटर मारता हूँ। और भाई देखो यहाँ पे कुछ तो आइटम आ चुका है यार, लेकिन ये है क्या चीज भाई? देखो ये तो कोई मास्क दिख रहा है और इसके साथ एक प्रोजेक्टर है। ये काम करता हूँ इसको मैं पहनता हूँ। और भाई एक मिनट, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा गंदा दिख रहा हूँ मैं भाई, तो पूरा भूतिया दिख रहा हूँ मैं। और अब ये मास्क यहाँ पे पता लगा रहे कि भाई मेरा डर है क्या चीज। और ये जो प्रोजेक्टर है ना, अब ये उसको करने वाला बिल्ड। ये काम करता हूँ इसको मैं रखता हूँ भाई इस साइड में, ताकि ये यहाँ से बनाना स्टार्ट करे। और बस अभी मुझे यहाँ पे क्लिक करना है इस प्रोजेक्टर के ऊपर और मुझे बताएगा कि मेरा डर क्या है। और भाई देखो यहाँ पे एक पेपर आ चुका है बाहर, इससे काम करता हूँ इसको खोल के देखता हूँ। और अभी इसमें लिखा हुआ है FNAF,
और देखो ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक एंटिटी होता है भाई, ये दिखता है पूरा एकदम भालू सा और एकदम बियर टाइप का। और वैसे भी ना मुझे यार यहाँ पे जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं इनसे बहुत ज्यादा डर लगता है यहाँ, तो एक काम कर दो बस मुझे एक बार एंटर करना है। और देखो यार यहाँ पे तो बिल्ड बनना स्टार्ट हो चुका है और भाई देखो इतना बन चुका है। ओ भाई यार कितना फास्ट बना दिया इसने पूरा। और एक मिनट भाई यार कौन सा पेट है इसका इतना बड़ा, और इसका मुंह देखो कितना खतरनाक है। और देखो अब मैं इसके मुंह के पास आ चुका हूँ यार, इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। और क्या तुमको इसका नाम पता है, और क्या तुमको इसका फुल फॉर्म पता है, और अगर तुमको पता है तो भाई मुझे कमेंट बताओ जल्दी से। और आज मुझे पता चलने वाला है कि यहाँ पे डैश और फ्लिक को किस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ आगे वाले वीडियो में भी। और बस अभी यहाँ पे हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और अभी देखो एक मिनट इसके हाथ में मुझे कुछ तो दिखा है यार भाई, ये है क्या आइटम, एक काम करो मुझे कमेंट बताओ। और तुमको ये बिल्ड कैसा लगा तुम मुझे कमेंट बता सकते हो, और तुम इसको रेटिंग दो 10/10। और भाई यार डैश और फ्लिक देखो यहाँ पे टाइम हो चुका है 2 मिनट का, तो काम करो जल्दी से बीच वाले प्लेटफॉर्म में आ जाओ। और अभी देखो यहाँ पे हम लोग के 2 मिनट खत्म हो चुके हैं, और यार यहाँ पे यार हम सब ने कुछ ना कुछ बिल्ड किया है या तो अपना पहले बिल्ड को दिखाएगा, लेकिन यार 2 मिनट में इतना कुछ कैसे बना दिया सब लोगों ने भाई, ये तो खतरनाक है। कुछ काम करो आ जाओ मेरे भाई, तो एक काम करो भाई मैं ना अभी तुम लोग को पहले अपना बिल्ड दिखा दूं। और यहाँ पे भाई सामने साइड में कौन सा बिल्ड है तेरा, लेकिन यार मेरा ये बिल्ड है भाई ब्राउन वाला, और इसका नाम है FNAF। भाई इतना गंदा क्या हो सकता है भाई, ये तो पंजाबी निकला यार। अरे भाई कहाँ से भाई, ये फ्लिक कुछ बोल रहा है। अरे तो एक काम करते भाई देखो यार, तो भाई तुम लोग इसको कितना रेट करना चाहोगे यार, इसको यार मैं रेटिंग दे दूंगा भाई, एक बार और कट चुका है यार। इस वाले राउंड में हम कोई नंबर ही नहीं देने वाले, और यार इस राउंड में नंबर दोगे तुम लोग। और अभी नेक्स्ट वीक कौन दिखाएगा अपना भाई, राउंड पागल हो चुका है शायद। मेरा बिल्ड देखो यार, मेरा बिल्ड तेरा क्या यार, ये हरे कलर का बिल्ड यार, ये सब मुझे नहीं पसंद है यार, क्या ये सब भाई, ये है क्या चीज। लेकिन यार मैंने क्रीपर बनाया है यार, तुम लोगों की फटती है ना क्रीपर से इसलिए बना दिया यार भाई। लेकिन अब तूने इतने कम टाइम में कैसे बिल्ड किया भाई 2 मिनट के अंदर, तू अपना बिल्ड देख एक बार, और मुझे कह रहा है तू सबने चीटिंग की लगता है, मैं तो रियल में बनाया हूं यार। तो भाई अभी बस आखिरी वाला बिल्ड बाकी भाई फ्लिक का यार, ये क्या है काला काला, सॉरी आजा आजा भाई मैं दिखाता हूं, ये देख भाई सब लोग देख के डर जाएंगे, उसकी आंखें देखो यार लाल कलर की यार, है कौन सा आइटम। लेकिन यार काला सा कौन सा कैरेक्टर बनाया तूने, डर लगता है क्या तुझे इससे यार, सबको डर लगता है ना भाई काले कलर के एंटिटी से यार। लेकिन इसका नाम क्या है यार, इसका नाम बुबरेमोन है यार, तुम भूल गए क्या उसको, बुबरेमोन। अरे हाँ यार बुबरेमोन दे माथे में क्या उसके। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, और यार इस वीडियो का विनर मैं हूँ यार। लेकिन तुम लोग कमेंट में जाके बता सकते हो कि भाई कौन विनर है। और अभी हम लोग के बिल्ड को तुम लोग जल्दी से यहां पे कमेंट में स्पैम करो मेरे लिए, और फिर ऑरेंज हार्ट डैश के लिए और व्हाइट वाला हार्ट फ्लिक के लिए। तो बस यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।